स्टूडेंट्स, क्लास 4, सब्जेक्ट है आपका मैथमेटिक्स। स्टूडेंट्स, जब भी आप वीडियो देख रहे हैं, ऑन कर रहे हैं, तो आप अपने सब्जेक्ट की बुक्स एंड कॉपीज़ अपने पास रखिए और जैसे आपको इंस्ट्रक्शन मिल रहे हैं आप उनको फॉलो करते रहिएगा। और जब आपको कुछ समझ में नहीं आ रहा है तो आप क्या करेंगे, वीडियो रिपीट में देखेंगे। अगर फिर नहीं आ रहा है, फिर भी नहीं आ रहा है, तो आप क्या करेंगे, अपने कमेंट बॉक्स में, वीडियो के कमेंट बॉक्स में आपने क्या करना है, अपना क्वेश्चन, क्वेरीज़ या कोई भी प्रॉब्लम आप टाइप करके उसको सेंड कर दीजिए। फिर आपके लिए दूसरा एक इजी वे में वीडियो बनाया जाएगा। ओके, सो टेक आउट योर बुक्स। ये है आपका फर्स्ट लेसन जो है, इसमें आपका रिविजन है। ये आप करते रहिएगा रिवीजन। मैं सेकेंड लेसन स्टार्ट करूँगी आज से लार्ज नंबर्स, जिसमें हम 4 डिजिट, आप अब तक थर्ड क्लास तक आप कर चुके हैं, 4 डिजिट करते आ रहे थे अभी तक आप। अब इसमें आपने करना है लार्ज नंबर, ठीक है। लार्ज नंबर, बड़ी संख्या करेंगे इसमें हम। प्लेस वैल्यू कंपैरिजन, असेंडिंग डिसेंडिंग, प्रॉब्लम्स होगी नंबर्स में, एडिशन सब्ट्रैक्शन मल्टीप्लिकेशन डिविजन, फैक्ट्स। ओके, तो नंबर, लार्ज नंबर कैसा हो गया आपका? लार्ज नंबर अभी तक आपने क्या करा था, 3, 2, 4, 9, ये 4 डिजिट तक आप कर रहे थे। इसको आप रीड करना जान चुके हैं कि 3249। अब आपको क्या होगी, इससे भी ज़्यादा क्या मिलेंगे आपको, बड़ी संख्या यानी कि लार्ज नंबर आपको मिलेगा। उसे आपने कैसे रीड करना है, इस लेसन में हम लार्ज नंबर को रीड करना सीखेंगे। ओपन योर पेज नंबर 10। अब लार्ज नंबर जो हमारा है, इसमें दो तरीके से हम नंबर को रीड करेंगे। एक है हमारा इंडियन सिस्टम और दूसरा है हमारा इंटरनेशनल सिस्टम। आज हम करेंगे इंडियन सिस्टम। इंडियन सिस्टम यानी कि इंडिया में किस तरीके से नंबर की रीडिंग की जाती है, यानी कि नंबर को हम कैसे रीड करते हैं, ठीक है। यहाँ पर एक छोटा सा चार्ट है, ये देख रहे हैं आप, ये छोटा सा चार्ट है। यहाँ पे देखिए, 1000 लाख करोड़, ठीक है। अब 1000 तक आपने अभी 4 डिजिट में क्या है, इसके आगे बढ़ना है आपने, 10,000, 1 लाख, 10 लाख, 1 करोड़ एंड 10 करोड़, ठीक है। एक एग्जांपल से मैं बताती हूँ आपको, आज हमने सिर्फ इंडियन सिस्टम करना है। टेक एग्जांपल, जैसे आपका है 4, 0, 4, 0, 3, 6, 50, थोड़ा छोटा लिखती हूँ मैं, 4, 0, 36, 57, 8, 9, ये हमारा नंबर है। आपको पता है कि इसके बैक से हम इसकी नेमिंग करेंगे, वंस, यहाँ पे हमारा टेंस, 100, अब यहाँ पे क्या आ जाएगा आपका कॉमा, फिर 1000, यहाँ तक आप कर रहे थे, अब इसके आगे क्या करना है आपने, 10,000 यानी कि TTH यानी कि 10,000, फिर कॉमा, इसके बाद है आपका 3 में क्या आ जाएगा, फिर आपका आपका लैक, फिर आपका 10 लैक, कॉमा, और 4 पे आ जाएगा आपका करोड़। तो आप कैसे रीड करेंगे, ये 100 तक आपका अलग हो गया, 1000 1000 अलग कर लीजिए और लैक अपना अलग कर लीजिए, तो क्या हो जाएगा, और करोड़ आपका अलग हो गया। तो कैसे रीड करेंगे, 4 करोड़ 4 करोड़ 1 लाख में कुछ नहीं है, इसके बाद क्या है आपका 3 लाख, सॉरी एक
365,789। तो इस तरीके से हम रीड करेंगे। अब जैसे यहाँ पे एग्जांपल इंडियन सिस्टम में दे रखा है बुक में आपकी, यहाँ पर इसकी नेमिंग 5 हमारा क्या हो गया वंस, 7 हमारा टेंस और 8 क्या हो गया हमारा 100, 7 आपका 1000 हो गया, 5 आपका 10,000 हो गया, 6 आपका लाख हो गया, 3 आपका 10 लाख हो गया, 4 हमारा सॉरी 0 हमारा करोड़ हो गया और 4 हमारा 10 करोड़ हो गया। तो इसको कैसे रीड करा, 40,36,57,875। पेज नंबर 11 पे आइए, ओपन योर पेज नंबर 11। यहाँ पे है री राइट द नंबर्स, आप भी रीड करेंगे, री राइट द नंबर्स प्लेसिंग द कॉमास अकॉर्डिंग टू द इंडियन सिस्टम। अब इंडियन इसमें अभी कॉमा नहीं, क्योंकि कॉमा आपको ज़रूर करना है, क्योंकि जिससे आपका डिफरेंशिएट होगा कि ये डिजिट आपने किस तरीके से पढ़नी है, ठीक है। तो फर्स्ट है आपका 3,00,4,5,6 ये है, इसकी नेमिंग करेंगे वंस, टेंस, 100। अब ये यहाँ पे ये इतना अलग हो गया, 100 वाला अलग हो गया आपका, ठीक है, यहाँ पे हम कॉमा लगाएंगे। फिर ये क्या हो गया आपका 1000, फिर 10,000 और फिर क्या हो गया आपका कॉमा, देन लाख। 1000 वाला अलग हो गया और लाख आपका अलग हो गया। तो इसको कैसे रीड करेंगे, हम कॉमा लगा दिया हमने, 3 लाख, 1000 में कुछ नहीं है तो 3,04,56। आपने 100 को अलग किया, 1000 को अलग किया, लाख को अलग किया, अगर करोड़ होता तो फिर इसको भी अलग करते, तो आपने कॉमा कॉमा लगा दिया, ठीक है, 100 तक ये अलग तो कॉमा लग गया, 1000 तक अलग हो गया तो फिर कॉमा लग गया यहाँ पे। तो हमने कैसे रीड, ठीक है, इसमें आपको सिर्फ कॉमा लगाना है। जैसे आपका एक एग्ज़ाम्पल 6 वाला एग्ज़ाम्पल ले लेते हैं, 6 ये है आपकी डिजिट, 3,02,76,42,91। नेमिंग करते हैं वंस, टेंस, 100, ये इतना अलग हो गया यहाँ तक, 100 तक, यहाँ पे हमने कॉमा लगाया। फिर 4 पे आपका क्या आ गया, 1000 आ गया। फिर 6 पे आपका 10,000 आ गया, फिर यहाँ पे कॉमा आ जाएगा, 1000 1000 को अलग कर लेंगे, फिर आपका क्या बढ़ता है, लैक। फिर 2 पे क्या हो गया आपका, 10 लैक, यहाँ पे कॉमा आ जाएगा, इसको अलग कर लेंगे। फिर क्या आ जाएगा, 3 पे आपका करोड़, ठीक है। तो इसको कैसे रीड करेंगे, 3,27,64,291 100 को अलग कर दिया, ठीक है, 100 को अलग कर दिया, 1000 को अलग कर दिया, लाख को अलग कर दिया, करोड़ को अलग, और कॉमा कॉमा हम इसमें सिर्फ आपको कॉमा करना है, ये हो जाएगा। ये आपने बुक में भी फिल करेंगे, आप बुक में भी फिल करना है आपने, ठीक है, कॉपी में भी करेंगे। इसके बाद दूसरा, अभी हम इंडियन सिस्टम कर रहे हैं, तो ए वाला हमारा क्वेश्चन जो बेस्ड है वो इंडियन सिस्टम में है, बी वाला इंटरनेशनल, इसको नेक्स्ट डे करेंगे, ये भी हमारा अभी नहीं करना है। फिर डी पे आ जाइए, री राइट द फॉलोइंग नंबर्स यूजिंग द इंडियन सिस्टम। अब आपको दोबारा से इसको इंडियन सिस्टम में ठीक करना है, क्योंकि यहाँ पे आपके जो कॉमाज हैं, शायद वो कॉमाज आपके क्या हैं, वो गलत प्लेस कर रखे हैं, उस गलत तरीके से लगाए, तो इसको आपने क्या करना है, ठीक करना है। कैसे करेंगे, देखिए, पहला है आपका 7,7, फर्स्ट वाला है 7,306,543। अब इसको रीराइट करने से पहले हमें क्या करना पड़ेगा, नेमिंग करनी पड़ेगी, 0, 10, 100, यहाँ पे कॉमा, इसका मतलब यहाँ तक सही है ये, फिर आपका 1000, फिर 10,000, यहाँ पे आपका क्या होना चाहिए था, यहाँ पे आपका कॉमा होना चाहिए था, ठीक है, यहाँ पे इन्होंने कॉमा नहीं लगाया है। इसके बाद 3 पे आपका क्या हो जाएगा, लैक,
और 7 पे आपका क्या होना चाहिए, 10 लैख। तो जो यहाँ पे 7 के बाद जो कॉमा है, ये कॉमा जो है ये आपका क्या है, ये रॉन्ग है। ठीक है, इसको मैं रब कर देती हूँ। तो यानी कि ये कॉमा क्या था आपका, रॉन्ग था। तो आप कैसे रीड करेंगे इसको, 73,06,000, क्योंकि यहाँ पे सिर्फ अभी 1 डिजिट है आपकी, 6,543। ओके, इसी तरीके से बाकी आपने बाकी क्वेश्चन भी करेंगे आप, बाकी क्वेश्चन बुक में भी करें, बुक में भी फिल करेंगे, ये बुक में भी फिल करना है आपने। इसके बाद है नेक्स्ट है आपका ई, एक्सप्रेस द फॉलोइंग नंबर्स इन वर्ड्स। अब वर्ड्स में आपको अभी आपको यहाँ पे किस में दे रखा है, नंबर्स में दे रखा है, इसको किस में कन्वर्ट करना है हमें, हमने वर्ड्स में, वो भी इंडियन सिस्टम में करना है। कैसे करेंगे, फर्स्ट एग्जांपल है आपका, फर्स्ट एग्जांपल है 26,24,40,93,2। ये आपका वंस, टेंस, हंड्रेड, ठीक है, ये आपका थाउजेंड, 10,000, लैख, 10 लैख, करोड़, 10 करोड़। तो कैसे करेंगे, 26,04,40,432। तो कैसे लिखेंगे इसको, 26 करोड़ 26 करोड़ 26 करोड़ 26,04,40,432। ओके, कोई मुश्किल नहीं, आप काफ़ी बार कर चुके हैं, थर्ड फोर्थ थर्ड तक आपने काफ़ी किया। इस तरीके से आपने क्या करनी है, इसका वर्ड में कन्वर्ट करना है। ओके, नाउ टेक आउट योर कॉपी। आपने कॉपी में किस तरीके से करना है, टॉप में सबसे पहले लेसन का नेम, लार्ज नंबर, नंबर सिस्टम, नंबर सिस्टम में हाउ टू रीड अ नंबर। उसके बाद आपको फर्स्ट जो हम कर रहे हैं, हमने अभी तक किया जो इंडियन सिस्टम कर रहे हैं, फुल फॉर्म आपको पता है, ओ फॉर वंस, टी फॉर टेंस, एच फॉर हंड्रेड, टी एच फॉर थाउजेंड, टी एच 10,000, एल फॉर लैक, टी एल फॉर 10 लैक, सी फॉर करोड़, टी सी मीन्स टी करोड़। ये इसकी क्या है आपको फुल फॉर्म, ये भी आपने नोट डाउन करनी है। यहाँ पर एग्जाम्पल ले लेते हैं, एग्जाम्पल है आपका 40,36, जो पीछे अभी हमने बुक में किया था, 46,36,57,875। इस तरीके से आपने नेमिंग करनी है इसकी, वंस, टेंस, हंड्रेड, थाउजेंड, कॉमा लगाते रहेंगे, 10,000, कॉमा लैक, 10 लैक, कॉमा करोड़, फिर 10 करोड़। वंस, टेंस, हंड्रेड, थाउजेंड, 10,000, लैक, 10 लैक, करोड़, 10 करोड़। ये हो गया आपका, ठीक है। अब वर्ड्स में कैसे करना है इसको, कैसे रीड करेंगे, 40 करोड़, 40 करोड़, इतना आपका सेपरेट हो गया, इतना कॉमा लग गया आपका। लैक में आपके पास क्या है, 10 में कितने, 10 लैक में 3, 6, तो पूरा मिलके क्या बन गया ये, 36, 36 लैक, थाउजेंड में 2 है, 57,
ऐसे ही रीड करेंगे 57,875। ओके, ये आप कॉपी में नोट करेंगे एग्जांपल, जिससे आप इजीली, और ये इस तरीके सेम आपको इस तरीके से नेमिंग करनी है, ये नेमिंग करनी है, यहाँ पे देख लीजिए। और इनका सेपरेशन ज़रूर आप करेंगे, जैसे ये सेपरेट किया है यहाँ पे, आपको फिर इजी हो जाएगा, यहाँ पे सेपरेट सेपरेट किया है, कॉमा लगाना है, आप अच्छे से रीड कर पाएंगे। पेज नंबर 11 में हमने किया था प्लेसिंग द कॉमाज, इंडिया सिस्टम है यहाँ पे, आपके पास गलत कॉमा प्लेस करना था सिर्फ हमने, ठीक है। 3003,00,456। नेक्स्ट आपका 7,90,356। 3 आपका 224,07,956। इसमें सिर्फ आपने क्या करना था, कॉमा पुट करना था। इसमें भी आप पहले इसी तरीके से करेंगे, नेमिंग करेंगे, वन स्टैंड्स 100, वन स्टैंड्स 100,000, 10,000 लाख। तो ये आपका पहला क्या है, 3 लाख, 1,000 में कुछ नहीं है, फिर 456, ठीक है। फिर हमने किया था रीराइट, क्योंकि यहाँ पे आपको रॉन्ग दिया था बुक में, आपको उसको करेक्ट करके रीराइट करना था, ये हमने पीछे किया था। ये कॉमा 7 के बाद लगाया, लेकिन ये आपका कॉमा होना चाहिए था 73, यानी कि 3 के बाद कॉमा लगना था आपका, यहाँ पे भी ठीक है, बाकी सब सही था। 1,100,000, 10,000 लाख, 10 लाख, तो क्या बन गया ये 73,06,543। सेकेंड एग्जाम्पल भी इसी तरीके से है, 2 के बाद कॉमा नहीं लगना था आपका, 9 के बाद कॉमा लगना था, ठीक है। एक्सप्रेस इन वर्ड इन इंडिया सिस्टम, आपको ये भी इसी तरीके से करना है, 1,100,000, 10,000 लाख, 10 लाख करोड़, 10 करोड़। तो इसको कैसे रीड किया हमने, 26,04,00,000, क्योंकि 10 लाख में कुछ नहीं, अगर यहाँ पे 1 होता तो हम 14 लाख बोलते, ठीक है, 22 होता तो 24, यहाँ पे कुछ नहीं है तो सिर्फ 4 लाख, यहाँ पे 40,932। सेकेंड एग्जांपल है आपका 27,945,023, इसकी नेमिंग करेंगे 0, 10, 100,000, 10,000 लाख, 10 लाख करोड़। तो इसे कैसे रीड करा हमने, 2,79,45,023। आई होप आपको समझ में आया होगा। पेज नंबर 11 में आपने होमवर्क करना है ए का, जो हमने अभी किया 10 क्वेश्चन, 9 क्वेश्चन एंड 5 क्वेश्चन, डी में करना है आपने 4, 8, 6, ई में करना है 4, 3, 7। ये आपका होमवर्क है, इसे आप अपनी कॉपी में अच्छे से कीजिए, पेज नंबर ज़रूर मेंशन कीजिए। थैंक यू क्लास।